हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से राम राम आप सभी को। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जब से हमारे देश में लॉकडाउन चालू हुआ है तो कई महान हस्तियां रामायण देख रही हैं, अपनी फोटो खींचकर फेसबुक या इस तरह के जो भी आपके सोशल साइट हैं उन पर डाले जा रहे हैं। वो बड़े बड़े शब्द लिखे जा रहे हैं कि राम ऐसा करते थे, राम वैसा करते थे। तो मुझे भी लगा कि मैं भी देखूं कि आखिर इसमें है क्या ऐसा, और रामायण से हमें क्या सीख मिलती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो आखिर क्या कारण रहे उनके। तो देखिए, मैंने अभी जो सीरियल बना है इसे नहीं देखा है, जो एपिसोड बने आपके 1987-88 के करीब, इससे हम लोगों ने हमने बात नहीं की। हमने देखा है रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत में, उसी से संबंधित हमने कुछ तथ्य देखे हैं, क्योंकि ये तो अभी आपका बना हुआ है। लेकिन रामायण आपकी वाल्मीकि जी ने 600 ईसा पूर्व में लिख दी थी, ठीक है। तो उसी से हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं, और आप भी देखिए किस तरह श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, उनमें क्या अच्छाइयां थी। हम तो देखिए एक तुच्छ मानव है, हम लोग कहाँ चलते हैं। अगर हकीकत यही है कि अगर आप रामायण को देख रहे हैं तो उसे फॉलो करते तो बहुत आगे बन जाते। अब आप हनुमान जी को ले लीजिए, हनुमान जी एक बंदर थे, बानर थे या नहीं थे, वो भगवान नहीं थे, लेकिन उन्हें उनके काम ने, कर्मों ने भगवान बना दिया। हम तो अभी मानव हैं, भगवान नहीं बन पा रहे हैं, और वो बानर से लेकर यानी कि दो स्टेज पार करके सीधे भगवान बन जाते हैं। तो उनके बारे में हम इस आज बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती है वो, इसलिए उनके बारे में एक अलग से हम लोग क्लास पर बिल्कुल सेपरेट होने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि उनके आज ही खत्म कर दिया जाए उन्हें 5-10 मिनट में। तो कभी टाइम मिलेगा उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो एक राम का सामान्य परिचय दे देते हैं हम आपको। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान राम का जन्म जो है एक त्रेता युग में हुआ। कब हुआ? त्रेता युग में, चैत मास शुक्ल पक्ष की नवमी को। कई लोग मानते हैं कि इनका जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ। अब देखिए, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से उनकी जन्मतिथि बताते रहते हैं। तो हम लोगों को इतना ज्यादा फोकस भी नहीं देना है उनकी जन्मतिथि को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि श्री राम जो हमारे थे भगवान, ये भगवान विष्णु के अवतार थे। किसके? भगवान विष्णु के। इनके पिता दशरथ थे, माता कौशल्या, गुरु विश्वामित्र, पत्नी सीता और बच्चे लव और कुश, ठीक है। आपको जैसा कि पता होगा कि दशरथ की 3 पत्नियां थी। कौन कौन सी? कौशल्या, इनकी कौशल्या का के ही बेटे थे राम, ठीक है। उसके बाद केकई, केकई के बेटा था, बेटे थे को भरत, सुमित्रा, सुमित्रा के बेटे 2 थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ठीक है। और श्री राम के जो गुरु थे वो तो विश्वामित्र। मैं इसलिए ये सभी आंकड़े बता रहा हूँ आपको कि आगे हम लोग जो पॉइंट देखने वाले हैं उसमें बहुत काम आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और हम ये भी बताएंगे आज ही कि अभी जो 87-88 में आपकी 1987-88 में जो रामायण एपिसोड बने हुए हैं, जो लोग आप लोग देखते हैं अभी टीवीओं में, इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसमें किसने क्या रोल किया, कब बनाया, क्या हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा तो रामायण संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने 600 ईसा पूर्व में लिखी, ठीक है। आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में राम की पूजा नहीं होती है, हमारे देश को छोड़कर भी कई देशों में पूजा होती है,
जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपके रामायण में 7 कांड हैं। और कई लोग सोचते हैं कि भगवान राम को वनवास जाने की जो वरदान था वो दशरथ ने दिया था। आपको पता होना चाहिए कि दशरथ ने दूसरा वरदान दिया ही नहीं था। क्या है? कैकेयी को दूसरा वरदान दिया ही नहीं था भगवान दशरथ ने। पहला तो दे दिया था कि भरत को राजगद्दी। लेकिन आप देखिए, इस जो अभी भी एपिसोड आए हुए हैं, जो आपकी सीरियल है, इसमें भी देखिए कि राम को दूसरा वरदान तो दिया ही नहीं गया कैकेयी को कि राम को वनवास जाने का। दशरथ तो एंड तक आपने देखा होगा कि रोते रहे। वो दशरथ ने तो ये भी बोला सुमंत से कि जाते हैं थोड़ा घुमा फिरा के और राम सीता को वापस ले आना। अगर राम ना माने तो राम को जाने देना, सीता को तो लौट के ले आना ही। ठीक। इसके बाद आपके मन में चलता है, कई लोगों ने पूछा भी है कि क्या भगवान सच में अयोध्या से श्रीलंका तक गए? आप समझ सकते हैं अयोध्या कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है? देखिए, यह है आपका उत्तर प्रदेश में अयोध्या, देखिए फैजाबाद के पास। ठीक है, यहां से पूरा पार करते हुए यह है आपका नीचे श्रीलंका, 3400 किलोमीटर करीब दूर है आपका। क्या हकीकत में ऐसा हुआ है? तो इसका एक उदाहरण दे सकते हैं आप। अब हुआ है या नहीं हुआ है ये तो ना तो मुझे पता है, लेकिन हम तो जो ग्रंथ है उसी पर आधारित बात कर सकते हैं। आप ही सोचिए कि आज राम श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कर रहा है? अगर आज सोचिए कि अगर किसी की पत्नी को अगर श्रीलंका कोई ले जाता है तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि ये दूसरी रख लेगा, दूसरी शादी कर लेगा, कर लेगा या नहीं? श्री राम को इसी कारण तो अलग बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं, भगवान बना दिया है। हम लोगों ने ही तो बनाया भगवान, मानने लगे हैं उनमें अच्छाइयां आती हैं। तो देखिए, वो पत्नी की लालसा में, मतलब ये चाहत ही तो भी। सबसे पहले आप याद रखिए, जब वो कुछ बचपन से बड़े हुए तो आपने देखा होगा कि उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, वो उन्हें ऐसी लड़की से शादी करने के लिए बोलते हैं जो ना जानते हैं उन्हें, भगवान श्री राम सीता को नहीं जानते हैं, फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनके गुरु क्या बोलते हैं कि अभी ये शादी कर लीजिए, उसके बाद आप अपने बाप माँ बाप की आज्ञा से भी दूसरी शादी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े लोगों में कई शादियां हुआ करती थी, राजा महाराजा। अब दशरथ ही के लिए 3 शादी हुई, तो श्री राम ने यहाँ क्या बोला था कि मैं एक ही शादी करूंगा, फिर चाहे किसी से भी। और आप पता नहीं क्या सा किस तरह से देखते हैं आप लोग रामा, जो अभी भी आया हुआ है एपिसोड है, मतलब जो भी सीरियल है, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए तो, अब आप सोचिए कि एक महाराजा का लड़का, राजा का लड़का वनवास पे जाता है, उसकी पत्नी का हरण हो जाता है, क्या महाराजा अपनी सेना नहीं भेज सकते थे मदद के लिए? क्या कुछ मदद नहीं मिल सकती थी दशरथ से, भरत से? लेकिन नहीं ली भगवान, उन्होंने अपनी 12 सेना खड़ी की बेवार, और जाके श्रीलंका यानी कि रावण को हराया। तो कुछ तो है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जो श्रीलंका जाते समय इन्होंने राम सेतु बनाया था, आपने सुना होगा कि श्रीलंका और भारत के बीच एक इन्होंने रोड बनाया हुआ था। इस रोड की आपकी लंबाई थी 48 किलोमीटर और चौड़ाई है 3 किलोमीटर लगभग। ठीक।
कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या होता है, जीवाश्म से इसकी डेटिंग यानी कि सन पता करते हैं कि कितने साल पुराना हो गया है। तो कार्बन डेटिंग में मालूम चला है कि 7,500 वर्ष पुराना ये आपका जो राम सेतु है, इसे कितने कितना पुराना है, 7,500, और अभी भी ये अच्छा है, मतलब इस पर चलने लायक है। तो आप देखिए कि आज अगर आप बनाते हैं, आज अगर रोड बनते हैं तो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो देखिए पानी पर बना हुआ है, फिर भी अभी तक चल रहा है, 7,500 वर्ष पूर्व बना था और अभी भी चल रहा है। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं अभी जो रामायण लिखी गई है उसके बारे में। देखिए अभी आपके जो फर्स्ट एपिसोड आया था 25 जनवरी 1987 को, जो आप लोग अभी देखते हैं रामानंद सागर की रामायण, ये आपके 1987 में आया। लास्ट एपिसोड आया था इसका 31 जुलाई 1988 को, कुल 78 एपिसोड हैं इसके। ठीक है, डीडी नेशनल दूरदर्शन नेटवर्क पर आए थे, इसके डायरेक्टर थे रामानंद सागर। और वाल्मीकि ने कब लिखा, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए किस किस ने कौन सा रोल निभाया। अभिनेत्री आपके अरुण गोविल श्रीराम बने थे, दीपिका इसमें सीता, सुनील लहरी लक्ष्मण का रोल किया है, संजय जो इन्होंने भारत का रोल किया है, समीर राजदा इन्होंने शत्रुघ्न का रोल किया है, दारा सिंह हनुमान का रोल किया है इन्होंने, बालधुरी दशरथ का रोल किया है, जयश्री गढ़कर कौशल्या का रोल किया है, रजनी बाला सुमित्रा का रोल किया है इन्होंने, पद्मा खन्ना केकई का रोल किया है, ललिता पवार इन्होंने मंथरा का रोल किया है, अरविंद त्रिवेदी रावण का रोल किया है, विजय अरोड़ा इंद्रजीत का रोल किया है, मूल राज राजता इन्होंने जनक का रोल किया है। अपराजिता भूषण इन्होंने मंदोदरी का रोल किया है, सुधीर दालवी वरिष्ठ वशिष्ठ का इन्होंने रोल किया है, चंद्रशेखर सुमंत और भूषण लंकादी लाकांदी इन्होंने विष्णु का रोल किया। एक बात बता दें आपको कि देखिए आज के जो जो रामानंद सागर ने जो आपके रामायण बनाई हुई है, जो ये मूवी यानी कि एपिसोड सीरियल, इसमें आपके हैं देखिए हैं सुनील, अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया हुआ था, ये आपके राम है श्री राम, और ये हैं जिन्होंने इस रोल को निभाया, कौन है, अरुण गोविल। सीता का जिन्होंने रोल निभाया ये है आपकी दीपिका, दीपिका चिखलिया इन्होंने सीता का रोल निभाया था, जो आप सभी देखते हैं उसकी बता रहा हूं, उसमें ए आपके जो एक्टर हैं इन्होंने रोल निभाया। लक्ष्मण का रोल सुनील लहरी ने, ये हैं आपके सुनील लहरी जिन्होंने लक्ष्मण का रोल निभाया हुआ। कभी इनके इनका इंटरव्यू देखा करिए जिन्होंने एक्टिंग की है, अभी भी ये लगता है कि उनकी बातों से श्री राम की ही बातें झलकती हैं। ये हैं आपके हनुमान का रोल जिन्होंने निभाया, दारा सिंह, ये हनुमान हो गए आपके, ये आपकी दारा सिंह। ठीक है, और रावण का रोल अरविंद त्रिवेदी ने निभाया निभाया था, ये है आपकी अरविंद त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी। तो ये है आपकी अभी जो आप लोग देखते हैं उनके एक्टर। तो अब हम चलते हैं कि आखिर हमें क्या सीख मिलती है।
रामायण से, ठीक है, कुछ हमने पॉइंट निकाले हुए हैं। रामायण का महाज्ञान, हम रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। आप एक सोचिए कि अगर वो भगवान, श्री राम तो भगवान थे, श्री कृष्ण भी भगवान थे, वो तो चाहते तो ये समस्याओं को सॉल्व कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? आप सोचिए क्या नहीं कर सकते थे, आप ही सोचिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, कुछ सोचकर ये तो हुआ होगा ऐसे कि एक इंसान को रास्ता दिखाया जाए कि उसकी जिंदगी है क्या, जीने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, इसीलिए तो सब लिखा गया है। देखिए रामायण यानी कि रामायण में जिंदगी के बारे में बताती कि हमें जीना किस तरह से है। समझ में आए? अगर देखिए, मैंने देखा है कई लोगों को, कई महात्माओं को भी देखा है कि जो रामायण कर रहे होते हैं, रामायण का पाठ कर रहे होते हैं और भाषण दे रहे होते हैं गौ पर, गाय पर, और उन्हीं लोगों को देखा है ना मैंने बाद में कि वो गाय में लठ मार रहे हैं, मतलब डंडे से पीट रहे हैं गाय को। जो लोग भाषण दे रहे हैं मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, वही लोग हैवानियत दिखा रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता है कि भगवान, अगर सब लोग बोलते हैं भगवान सब कुछ देखते हैं, तो डरते क्यों नहीं होते, बताइए? अगर भगवान देख रहे होंगे तो आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं, किसी को मार भी रहे हैं, तो क्या भगवान देखते नहीं होंगे? हो सकता है कि यहाँ हम लोग हैं, यहाँ छोटे बड़े का फर्क है, सीधी सी बात है, तुम पैसे में बड़े हो, तुम्हारी औकात ज्यादा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि ऊपर कुछ ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी औकात ज्यादा है तो तुम्हें अच्छा कुछ मिले? और एक बात भी मैंने अधिकतर देखा है कि हमें अपने कर्मों की सजा इसी टाइम मिल जाती है। अब आप देखिए, जिनके दादा जैसे आज कई मंत्री हैं, कई मैं नाम नहीं लूंगा डायरेक्ट, लेकिन आपको पता समझ जाएंगे, कई बाप हुए जिन्होंने अच्छी इज्जत शोहरत कमाई, अच्छा किया, और आज देखिए उन्हीं के लड़के आए तो सब मिटा के रख दिए। कई नेता आपको उदाहरण में देखने को मिल जाएंगे, बाप ने बड़ी पार्टी खड़ी की और लड़के आए तो मिटा के रख दी। तुम्हें नहीं लगता है कि भगवान निपटारा करते हैं? एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, मैंने भी कहीं पढ़ी हुई थी कि एक मछली मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो वो मछली पकड़ लेता है कुछ मछलियां, उसके बाद एक कोई गुंडा है, यानी कि अभी आप मंत्री विधायक समझ लीजिए, कोई मंत्री आता है और उससे वो मछली छुड़ा लेता है जबरदस्ती गुंडा दादागिरी में, तो वो मछली क्या करती है कि उसके हाथ में काट लेती है, किसके, जो दादा है यानी कि गुंडा है। अब वो गरीब असहाय लोग, अभी आप जो देख रहे हैं गरीबों की हालत, उन्हें जैसा होगा कोई, तो उसने बस भगवान से प्रार्थना की, तो जिसको मछली ने काटा तो उसका हाथ सड़ने लगा, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके उंगली काटने पड़ेगी, उंगली काट दी, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, उसने बोला कि आपका ये पूरा हाथ काटना पड़ेगा, हाथ भी काट दिया, उसके बाद भी सड़ने लगा आंगे, तो उसने बोला आपने आखिर एक गलती क्या की थी, तो उसने ऐसा ऐसा बताया उस डॉक्टर को, तो बोले जाकर पूछिए उससे जिससे आपने ये सब छीना था, ये आखिर उसने क्या की। तो वो गया मछली जिससे मछली उसने छीनी थी, तो उसने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया, कुछ जादू टोना करते हो क्या, तो उसका जवाब था सीधा सा कि जब तुमने मछली मुझसे छीनी तो मैंने बस भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान ये मेरे ऊपर दादागिरी निभा रहा है, तुम इसके ऊपर निभा देना। समझ गया? मैं कहता हूं मत मानिए, अगर जैसे नहीं मानो तो अच्छा है, भगवान को मत मानो,
क्योंकि जो लोग नहीं मान रहे हैं वो भी तो जिंदा हैं। मुझे लगता है वो तुमसे बेहतर है, क्योंकि तुम जानते हुए गलतियां कर रहे हो, समझ रहे हो? तुम जानकर सब कुछ जान रहे हो कि भगवान होते हैं, फिर भी तुम गलतियां किए जा रहे हो। क्या भगवान, आप जो मन में सोच रहे होंगे, क्या भगवान नहीं जानते होंगे? तुम किसी को नीचे गिराने के लिए सोच रहे, किसी को मारने के लिए सोच रहे, किसी को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हो, क्या भगवान की मन में नहीं चलता होगा? भगवान जानते नहीं होंगे? देखिए, निपटारा तो होता है, तुम चाहे कोई भी हो, जाना तो है। अब जाते किस तरह हैं वो आप पर निर्भर है। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर एंड तक आप देखिए, सब कुछ एक इंसान को जीने की कला सिखाई गई है कि बचपन में कैसा है, बुढ़ापे तक किस तरह से हमें चलना है। लेकिन हम अधिकतर भटक जाते हैं इस रास्ते से। हम लोग सोच लेते हैं कि सब स्थाई है हमारे लिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, खुद फॉलो करिए उसे। अब आप सोचिए, आप रामायण का पाठ कर रहे हैं या कोई भी धर्म मान रहे हैं, उससे मतलब नहीं। क्या तुम्हारे धर्म में लिखा है कि किसी के साथ गलत करो, किसी को गाली दो, किसी को बुरा कहो? और आप सोचिए, आपके अगर भगवान देखते होंगे ऊपर से, मानते हो आप लोग सभी, तभी तो आप पूजा पाठ कर रहे हो। अगर नहीं मानते तो किस लिए पूजा पाठ करते, तो क्या वो माफ करेंगे आपको? और फिर तुम कितने दिन जी लोगे? जैसे आज हम किसी के साथ बुरा करें, किसी को मार दें, कितने दिन जी लेंगे? चलिए वो तो मर गया, वो बर्बाद हो गया, मिट गया, लेकिन हम कितने दिन जी लेंगे? क्या हमें शांति मिलेगी? नहीं, कभी नहीं। इसी तरह बड़बड़ाते हुए मर जाएंगे। क्या रखा है? कई लोग जाते हैं रामायण सुनने। अरे भाई, तुम घर में रह के पहले अपनी खुद तो रामायण देख लो। मैंने देखा है कई लोग बड़े बड़े, वो कहीं रामायण भागवत चल रही तो जाके बैठ जाएंगे सुनने। वो सुनेंगे, वहां वहां पूरा फॉलो कर लेंगे, सोचेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जैसे ही 2 कदम बाहर निकलेंगे वहां से, सब भूल जाएंगे, अपनी पहली वाली औखल में आ जाएंगे। अभी कुछ दिन ही हुए, कहीं रामायण वो गौशाला खोली जा रही थी, तो मैं देख रहा था वहां लोग गाय को खाना खिला रहे हैं, पांव छू रहे हैं गाय के। और जस्ट मैंने 2-4 दिन बाद देखा तो वही लोग जो गाय को खाना खिला रहे थे, वही गाय को डंडे से पीट रहे हैं। क्या दिखावे की जरूरत है? कितने दिन दिखावा की जिंदगी जी लोगे? क्या तुम अमर हो? नहीं ना। देखिए, मरना सबको है, ये जिंदगी मिली हुई है, मौत सबको, बस जीना कुछ ही लोगों को आता है। जीना जीना में भी फर्क है। आप ये क्या कर रहे हैं कि मुर्दा बनकर जी रहे हैं, ना किसी की भावनाओं से आपको किसी को मतलब है, तो क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ पाओगे कुछ नहीं। बहुत महान आए हुए, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक उनके पैर की धूल भी नहीं हो। कई महाराजा हुए, राजा हुए, आज उनकी हवेली पर जाइए, महलों में जाइए, कोई दिए जलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि गलत परिणाम। देखिए, हमेशा सत्य की जीत होती है। टाइम लग सकता है, इतना हो सकता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन होगा सही। वेस्ट टाइम, हकीकत यही है कि 5% भी अगर लोग भगवान राम की कई बातों पे चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि आप देखिए, अभी जो सक्षम है, अगर इस समय उन्हें रामायण देखने का टाइम नहीं था, उन्हें गरीब की मदद करने का था। तुम सक्षम हो, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं कि अपना घर बार बेचकर चले जाओ, लोगों की मदद करो, लेकिन अगर आपके पास सक्षम थे आप, तो अभी गरीबों का ख्याल रखने का टाइम था, क्योंकि देख रहे हैं 80 से 85 लोग मर चुके हुए हमारे देश में। किससे? कोरोना से नहीं, गरीबी से, भुखमरी से। और एक नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब ये होता है कि अपनी जिंदगी से ज्यादा उनकी जिंदगी को
महत्व देना जो हमारे ऊपर डिपेंड है, यानी कि जो हमारे लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन आज के नेता को देखिए, बिल्कुल उल्टा ही हो गया। मुझे तो लगता है कि नेता शब्द और वफादारी शब्द, इंसानियत शब्द, एक किताबों में देखने को मिलते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विविधता में एकता क्या है? विविधता में एकता। इन पॉइंटों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये पॉइंट मैंने अभी जो आपकी 1987-88 में आई, जिसे आप लोग देखते हैं, उससे हमने बिल्कुल भी नहीं लिया है। जब से लॉकडाउन चला हुआ है, जब से कुछ मंत्री विधायकों की मैंने फोटो देखी है सोशल मीडिया पर डली हुई, तब से मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहे हैं वही निकाले हैं पूरी रामायण से। ठीक, तो जो आप लोग अभी देख रहे हैं उसमें काफी हद तक बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन मैं वाल्मीकि जी की रामायण से पॉइंट उठाए हुए हूँ। देखिए आप इस पिक्चर्स को, विविधता में एकता, रामायण की एक बड़ी सीख मिलती है इससे हमें, विविधता में एकता। इस महाकाव्य में तो राजा दशरथ की 3 रानियां और 4 बेटों के चरित्र अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी विविधता के बावजूद उनमें किसी तरह की एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। क्या है? सीख है। आप सोचिए, आप अगर 4 भाई हैं 5 भाई हैं, उनके लिए दीजिए कुछ मत, रिश्तों को बनाए रखिए। मतलब ये है कि अगर किसी एक भाई पर विपत्ति आती है, दूसरा भाई यही बोल लेता है कि हम आपके साथ खड़े होंगे, या फिर आपकी पत्नी है और आप मुसीबत में, और अगर आपसे बोलती कि वो तुम्हारे साथ, तो एक ताकत सी आ जाती है, एक नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा करती है। आपने देखा होगा कि इंसान हारता किससे है? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि किस तरह से आप लोग एक होकर रह सकते हैं परिवार में। ठीक है, विविधता में एक, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ किस तरह से रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छी संगति का महत्व क्या है? अच्छी संगति का महत्व। इसमें आपको अच्छी संगति से, यहां मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे किसी और से दोस्ती कर रहे हैं, यहां तुम्हारे ही बच्चे तुमसे दोस्ती। अगर तुम, जैसे आप घर में रह रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, कुछ दिन बाद आपके बच्चे भी दारू पीने लग जाएंगे, आप किसी के साथ मार काट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपके बच्चे भी उसी रास्ते पर चल देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो आपसे ही सीख मिलती है उन्हें। तो आपने देखा होगा सबसे पहले लिखा गया है कि सबसे पहले बच्चे के माँ बाप शिक्षक होते हैं उसके माँ बाप, जो वही सिखाते हैं वही वो लोग करते हैं। ठीक है, तो आप पर ही निर्भर करते हैं कि आपके बच्चे किस तरह बनेंगे। आप गलत करोगे, देखिए भाई गलत होगा। कितने दिन की जवानी है तुम्हारी, कितने दिन का भरम है? हो सकता है आज मैं ये बोल रहा हूं, तो कल ना रहूं, क्या उखाड़ लिया, सब धरा के धरा रहेगा। एक पल का भी नहीं है भरोसा आगे कब तक जिएंगे। लॉकडाउन से देखिए आप, लोगों के मन में मौत का साया छा गया है कि कब चल लटक जाऊं, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता मुझे, समझ में है? तो अच्छी संगति का यहां मतलब होता है, इस ग्रंथ में आपको समझाया गया है कि अच्छी संगति का महत्व क्या होता है। केकई राम को अपने पुत्र राम से जाना चाहती, जो केकई थी ये भरत से जाना राम को चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा, इनकी दासी जो मंथरा थी, उसकी बुरी सोच और गलत बातों में आकर केकई ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। क्या मांग लिया? 14 वर्षों के लिए वनवास। इसमें हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो, यानी कि निगेटिविटी हम पर हावी ना हो। यहां आपको एक बात बता दें,
जब आप कैकेयी के मुंह से सुनते हैं राम कि 14 वर्ष के लिए वनवास, तो उन दशरथ ने कभी इसका उच्चारण भी नहीं किया अपने मुंह से कि वनवास के लिए राम को जाने के लिए, समझ में आया? तो कैकेयी के मुंह से सुनते हैं तो भगवान राम तो एक अवसर देख रहे थे कि अब अगर वो उन्हें राजगद्दी मिल जाती तो वो किस तरह से लोगों को समझा पाते कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए आपकी उनकी माँ मनाती हैं, दशरथ मनाते हैं। उसके बाद जब जंगल पहुंच जाते हैं तो दशरथ वो आपके भरत जी जाते हैं, भरत मनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद भरत चरण पादुका यानी कि उनकी भगवान श्री राम की जो कड़ाऊ थी उन्हें लाकर अपनी राजगद्दी पर रख देते हैं और 14 वर्ष तक, 14 साल तक उन खड़ाऊ को ही राजा मानकर पूजा की जाती है उनकी। तो भगवान तो अवसर देख रहे थे, वो तो भगवान थे और आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जीवन होना चाहिए। तो अच्छी संगति का मतलब यही है कि आप लोग अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। हो सकता है आप कितने दिन जियोगे, भगवान ना करे, फिर भी मैं यही बोलता हूं डायरेक्ट कि हो सकता है आज शाम तक आप मर जाएं। तो जो आपने संपत्ति बनाई हुई है उसका, उसके बाद आपका बेटा जो भी बच्चे हैं वो एक मिनट में खत्म कर देंगे अगर आपने संस्कार अच्छे नहीं दिए हुए तो उन्हें जूझने दीजिए अपनी जिंदगी से, उन्हें समझने का मौका दीजिए, वो इंसान बन सके। देखिए इंसानियत को ही याद रखा जाता है। अब हनुमान जी की तो बात ठीक है, छोड़ दीजिए, साईं भगवान को राम भगवान किसने बनाया? हम लोगों ने, क्योंकि उनमें इंसानियत थी, उनमें वो अच्छे उनके काम थे जिससे उन्हें भगवान बना दिया। निश्चय आप लोग भगवान बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो काम तो करने पड़ेंगे भगवान वाले कि नहीं करने पड़ेंगे। आप बन सकते हैं भगवान, इसमें कोई शक नहीं है। जब बानर से लेकर दो स्टेज ऊपर पहुंच सकते हैं हनुमान जी, तो हम तो एक स्टेज हनुमान जी से ऊपर हैं, इंसान हैं, हमें तो सिर्फ एक लाइन क्रॉस करनी है पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा, बात करेंगे हनुमान जी पर कभी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। आपने देखा होगा कभी लक्ष्मण सीता के अलग अलग, हो सकता है एक आग ही जगह अब बात की रूम मंदिर बने हैं, लेकिन हनुमान जी का मंदिर हर जगह मिल जाएगा आपको। जहां भगवान राम होंगे वहां लक्ष्मण यानी कि हनुमान जी भी होंगे आपके, लक्ष्मण सीता हो या ना हो लेकिन हनुमान जी जरूर होंगे। तो हनुमान जी का इतना क्यों महत्व रहा है, क्या कारण रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी टाइम मिलने पर। तो या आपको अच्छी संस्कृति संगति से या संगति का दूसरों से मतलब मत लेकर लिए, अपने बच्चों का अपने विधि, ठीक है? ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते, यहाँ क्या बताया गया है आपको, भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच गुस्सा या विश्वासघात पर घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और संसारिक सुखों की बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। और आज के भाइयों को देखिए आप क्या करते हैं, एक दूसरे को गिराने में ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अधिकतर लोग तो एक दूसरे को गिराते ही खत्म हो जाते हैं, कब लटक जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है कि आखिर जिंदगी मिली हुई क्या। देखिए हमसे अच्छे तो जानवर हैं, अगर हम एक गाय घर में रखते हैं तो वो अपना फर्ज निभाती है, दूध देती है हमें, देती कि नहीं, अपना जो काम है उसका वो कर रही है। लेकिन हम इंसान होते हुए, समझदार होते हुए अपना धर्म कभी नहीं निभा, अपवाद में एक आध दो लोगों को छोड़ दीजिए, वरना सब अपने लिए
जीते जीते मर जाते। चलिए आगे। सच्ची भक्ति और समर्पितता, सच्ची भक्ति समर्पितता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनके अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। यहाँ आपको सीधी सी बात यह से सीखना चाहिए कि आपने देखा होगा भगवान ने जो भी बोला हनुमान जी को वो किया। फिर चाहे लक्ष्मण को जब आपका शक्ति लगी हुई थी तब पहाड़ उठाने की बात हो या फिर सीता को ढूंढने की बात हो, कभी लालच नहीं रहा है हनुमान जी के मन में। तो आप अपनी तरफ से किसी भी रिश्ते को या बच्चे हो आपके या बीवी हो जो भी हो परिवार हो अन्य गांव परिवार हो जो भी हो अपना फर्ज निभाइए। अपना फर्ज निभाने का मतलब है यहाँ कि जिस तरह आगी का यानी कि आग का काम क्या है, आग लगाना, पानी का काम क्या है, आग को बुझाना। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि पानी कहीं आग लगाने लगे और आग कहीं पानी बनकर आग को बुझाने लगे, ऐसा नहीं है ना। तो आप अपना फर्ज निभाइए, उस तरफ से लालच भी मत रखिए कि कोई हमें लौट के दे रहा है या नहीं। अपना काम करिए, आप शायद सुख में रहेंगे, आप जब मरेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। देखिए मौत का भय उन्हीं लोगों में रहता है जो सच के रास्ते पर नहीं चलते, ये हकीकत है। क्योंकि आप आज का दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, यानी कि आज का काम जो भी हमारा है हम उसे अच्छे से निपटा लेते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई मौत का डर नहीं है क्योंकि हम अपने पूरे अतीत में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हनुमान जी के बारे में बात करेंगे हम कभी अच्छे से। माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है, कितनी अच्छी बात लिखी गई है। माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है, क्या है? रावण एक ज्ञानी पुरुष था, इसमें कोई शक नहीं है। रावण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है लेकिन हम नहीं सीखते हैं। और हमारी औकात नहीं है कि रावण को दशहरा पर जलाया जाए, क्योंकि हम बने तो पहले राम, तभी तो भूल सकते हैं, तभी तो जला सकते हैं, लेकिन हम नहीं बिना सोचे समझे चल देते हैं। अधिकतर लोग तो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, समझ में आया? इसका मतलब ये है साफ साफ कि आप हकीकत में जीते ही नहीं। अगर आप हकीकत में जीने लगें तो मुझे लगता है 80 से 85% आपकी समस्याएं समाधान हो जाएगा। समस्याओं किसी ने हमें गाली दी हम वहां से निकल जाए और यही सोच के कि उसका काम है गाली देना, तो देखिए एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है या नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहीं जूझ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो रावण एक ज्ञानी पुरुष था लेकिन सीता माता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला दे। आपको सभी को नहीं लगता है कि जब हमें अपने कर्मों की सजा मिलने लगती है तो हमें वो परिस्थितियां पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो परिस्थितियां अपने आप ही पैदा हो जाती हैं जो हमारी बर्बादी की तरफ हमें ले जाती हैं। अब आप ही देखिए कि रावण के अत्याचारों की यानी कि उसके खात्मे की कहानी शुरू होने वाली थी, तभी तो शूर्पणखा श्री राम के पास जाती है, लक्ष्मण उसकी नाक काटते हैं। उसके बाद देखिए आप कि रावण सीता का हरण करता है, समझ में आया, और खुद ही अपने जाल में फंसता चला जाता है। ठीक है, और उसी आग में जल जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम दूसरों को जलाने के चक्कर में खुद जल जाते हैं कभी कभी। जब तूफान चलता है तो कहते हैं कि बांस होता है ये आग उत्पन्न करता है, ये जंगल को तो जलाता ही है पूरे, खुद भी जल जाता है उस आग में।
ऐसा नहीं है कि बांस आग जलाकर जंगल को साफ कर दें, खुद बचे रहें, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए दूसरे की बर्बादी से अच्छा किसी को साथ दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है किसी को आगे बढ़ाने में, अगर साथ की जरूरत है दीजिए ना। ठीक है यार, मेरा मतलब इतना सा है सीधा सा कि या तो हम भगवान को माने ही ना, क्योंकि कई देश ऐसे हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी आप देखिए वो तरक्की कर रहे हैं, वहां के लोग तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनजान है भगवान से। लेकिन हम क्यों बर्बाद हैं? इसलिए क्योंकि हम जानते हुए भी वो गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सीधा सा आप ये क्या, कुत्ते को ले लीजिए, तुम उसे खाना खिलाते हैं वो आपकी वफादारी करता है आपके साथ, अपना फर्ज निभा रहा है, यानी कि अपना धर्म निभा रहा है, उसका जो धर्म है। ठीक है, आप अपना भी धर्म निभाइए, और फिर आप क्या पालोगे जिंदगी में? आपको लगता है कि आप अमर हैं? हो सकता है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद मैं ना रहूं, हो सकता है, एक संभावना है ना कि कभी भी खत्म हो सकते हैं, इंसान अस्थायी है, कोई भी इसका यहाँ स्थायी जगह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत कुछ सीखने को मिलता है रामायण से, आप बस उसे देखिए, तो किसी भी चीज को हम, मैं तो कहता हूं आप कुत्ते से वफादारी सीख सकते हैं। ठीक, दोनों तरफ से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों अलग अलग रास्ते चुनें, मैं तो कहता हूं दोनों अपने अपना धर्म निभाइए। ठीक, अब सीताराम को देख लीजिए, सीता ने अपना धर्म निभाया कि श्री राम का साथ नहीं छोड़ा उनकी मुसीबत वक्त में, श्री राम ने अपना धर्म निभाया कि वो श्रीलंका तक गए सीता को पाने के लिए, समझ में आया। और आज के मानव को देख लीजिए, कि अगर पति चला जाए तो पत्नी दूसरी शादी, अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं कि कोई अमेरिका से लौटा विदेश से, वो उसका पति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, अभी शादी कुछ ही दिन हुए थे, शादी की ही खुशी में वो घूमने गए हुए थे, लेकिन पति पॉजिटिव पाया गया तो पत्नी छोड़ के चल दी, समझ में आया कि मतलब कहाँ इंसानियत रह गई, हम इंसान हैं। चलिए आप, अगर मैं कहता हूं अगर आप 99% तक लोग सच के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, 99% लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती है कभी भी, हकीकत यही है, और हमेशा मौत का डर उनके अंदर छाया रहता है कि मर ना जाऊं मर ना जाऊं, और जो सच के रास्ते पर चलता है वो कभी मौत से नहीं डरता है, याद रखिए हमेशा। ठीक है, सबके समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार, इसका मतलब है भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटे सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है, क्या देता है, हमें रुतबा उम्र लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए, हम पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए, सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आए। अब आप देखते होंगे कि यहाँ तो वो चल रहा है कि अगर आप गरीब हो तो यही सबसे बड़ा अपराध है, गरीब होना अपराध है, ना तो आपकी कोई सुनने वाला है ना कोई। अब इस समय अगर भगवान श्री राम होते, मानिए या ना मानिए, तो वो क्या करते हैं, वो लॉकडाउन के चक्कर में घरों में नहीं बैठते, वो अपनी जान पर बाजी लगाकर गरीबों को मरने नहीं देते, हकीकत यही है, अब आप इसे मानिए, एक्सेप्ट करिए या ना करिए, वरना ऊपर वाला तो एक्सेप्ट करीबा भी देगा। ठीक है, तो सबके समान समान व्यवहार कीजिए, उससे हमारा कोई मतलब हो या नहीं, उससे लालच हो या नहीं, अगर गरीब भी है तो उसके साथ बराबर व्यवहार करिए, क्योंकि भगवान यार देखता है, मुझे तो लगता है कि सजा मिलती है, मैं भगवान को इतना नहीं मान रहा हूं, फिर भी मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों की सजा मिलती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो साइंस ने भी माना है कि भगवान होते हैं और हमें अपने कर्मों की सजा मिलती है, कैसे, जब हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं या फिर न्यूटन का
तृतीय नियम ले लीजिए कि हम दीवार में जितनी तेजी से गेंद मारेंगे उतनी ही तेजी से वो वापसी आएगी हमारी ऊपर। तो जब किसी हाय गरीब पर हम लोग असहाय पर जुल्म करते हैं तो उसके अंदर की जो चीख निकलती है, जो हाय निकलती है, वो आपकी बर्बादी को एक नई दिशा दे देती है, क्योंकि वो ऊपर कहीं टकरा के आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। इस तरह से बहुत विस्तार से बताया गया है उसमें कि किस तरह से मानव की कर्मों की सजा मिलती है। तो आप लोग सीखिए, ठीक है, भगवान की सच्ची सेवा, भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहां वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं। तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहाँ राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आपको लगता है क्या लगता है आपको कि कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे फिर कोई भी हो, कई बड़े महाराजा हो, ताकतवर हो, वो स्थायी है इस धरती पर? क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम अगर आज अत्याचार कर रहे हो किसी पर तो आप नहीं मरोगे, आप हमेशा यहाँ जीवित रहोगे? भरोसा है तुम्हें? कल का भरोसा है कि कल जी सकते हो, जीते रहोगे कल तक? नहीं ना, तो फिर क्यों चलते हो? भगवान की, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मत करिए यार, मत मानो भगवान, मत सेवा करो। अब तुम जाके अंदर मंदिर में भीख मांग रहे हो, उनके सामने गिर गिरा रहे हो, और बाहर आके किसी असहाय या कोई बच्चा अगर भीख मांग रहा है तो उस पर चिल्ला दे रहे हो। मत, अगर नहीं दे सकते हो तो मत दो, लेकिन चिल्लाओ तो मत उस पर। और फिर अगर आप अंदर 500 रुपये चढ़ा सकते हो भगवान की पेटी में, भगवान ने बोला तो नहीं है, तुम जाके चढ़ा दे रहे हो, तो क्या 5 रुपये बाहर नहीं दे सकते? 5 रुपये कैसी देखते हो, महाभारत हो, फिर रामायण हो, फिर कोई भी बात हो, किसी को देख रहे हैं, पता नहीं कैसे देख के, उस समय तो देखो कि बड़े भगवान की तरह बनने की इच्छा रखोगे, लेकिन 5-10 मिनट बाद सब भूत उतर जाएगा। भगवान में विश्वास की शक्ति। राम लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार ही है, निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखते ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से जब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। समझ में है? आपने देखा होगा कि हनुमान जी को क्या ये शक्ति, मतलब उन्हें पता था ये उड़ने की शक्ति है, भगवान ने ही तो दी होगी, उन्हें भगवान पर भरोसा होगा तभी तो। आपने एक अक्सर सुना होगा कि भगवान भला करेंगे सबका, कुछ भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है भगवान करेंगे, शायद भगवान यही चाहते होंगे। अगर हमारा पैर भी कट जाता है फिर भी हम क्या बोलते हैं कि भगवान ने शायद यही चाहा हो, तो भरोसा रखते हो उस पर, तो सही रास्ता चुनिए और चलते रहिए, ठीक है। प्यार और दया, क्या है प्यार और दया? भगवान राम दया और सकारात्मकता की पिति मूर्ति है, और हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव के एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में
रामायण की सीख को अपने अंदर उतारना होगा। एक एक शब्द को देखिए और सुनिए, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है यार। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सहनशील और धैर्यवान, सहनशील और धैर्यवान। आप सोचिए कि मतलब कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है भगवान का जीवन। अभी जो आपने 1987 वाली जो रामायण देखते हैं टीवियों में, इसमें वो नहीं दिखाया गया जितना उनके जीवन में संघर्ष रहा है, जिस तरह से उन्होंने झेला है उस संघर्ष को। अब आप सोचिए कि एक राजा के घर में पैदा हुआ लड़का जो राजपाट संभालने जा रहा था, उसे वनवास हो जाता है, एक भिक्षु की तरह भिक्षुओं की तरह उसे रहना है। कुछ समय बाद उसे सीता का हरण हो जाता है। उसके बाद लक्ष्मण को, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे शक्ति लगता रहती है। फिर उसके बाद खुद आप मौत के मुंह में चले जाते हैं, नाग फांस दे के उठ जाते हैं। तो जीवन कष्ट से भरा रहा है यानी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, सत्य के रास्ते पर हमेशा चलते रहे धैर्य के साथ। तो आपको धैर्य तो रखना होगा किसी भी काम के लिए। अब ऐसा नहीं है तुरंत हाल के हाल हो जाए। सहनशीलता और धैर्य भगवान राम का विशेष गुण था। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। समझ में आया? मुझे तो लगता है जहां तक कि ये पूरा हमें जीवन जीने के सिखाने के लिए किस तरह से इंसान को जीवन जीना चाहिए, उसी लिए भगवान ने इस तरह की रूप धारण किया कि असल में जिंदगी क्या होती है। वरना यार भगवान जब हमारे हमें तुम्हें उद्धार कर रहे हैं हमारा, तो वो अपना कभी भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए कि इंसान को हकीकत पता चले। लेकिन इंसान कहाँ समझ में आने वाला है। आगे चलते हैं। बुरे समय में निराश ना होना। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बुरे समय जैसा ही आता है, अपना आपा खो देते हैं और टूट जाते हैं। तो भगवान राम के जीवन में बुरा समय भी आया। आपने देखा होगा कि उनकी माता द्वारा उनके लिए वनवास मांगना, सीता का हरण आदि ऐसे ऐसी घटनाएं हुई जो किसी भी आम मनुष्य को तोड़ सकती हैं। लेकिन हमारे श्री राम ने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो सीखिए कुछ कुशल प्रबंधन या फिर नेतृत्व क्षमता। यानी कि इसका मतलब यही हुआ ना कि अब किस तरह से आप देखते हैं कि अगर भगवान श्री राम में कुशल नेतृत्व ना होता, यानी कि सबको साथ लेने की क्षमता ना होती, तो कहाँ वो श्रीलंका पहुंच पाते, कहाँ किस तरह से वो सेतु बना पाते, यानी कि पुल बना पाते। एक सबका मिलीभगत ही तो थी। आपने देखा होगा सभी वानरों को किस तरह से इकट्ठा किया उन्होंने, ये उनका नेतृत्व बताता है कि सबको साथ लेने की एक आप में नेतृत्व होना चाहिए। ठीक, और आप देखते हैं कि वो अपने से ज्यादा इन लोगों का ख्याल भी रखते हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो अगर आपको भगवान ने नेतृत्व करने की क्षमता दी हुई है, तो उसे अपना फर्ज निभाइए। उस जैसे आप अगर नेता हैं, तो आपको भगवान ने अच्छा है कि नेता बनने की कुछ ऐसे नेतृत्व गुण दिए कि जिससे आप नेता बन सकते हैं, तो आप उसे निभाइए। ठीक है, अपना फर्ज पूरा कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। कर्म क्या है? कर्म हम अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए, हमें अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी काम पूरी मेहनत से कर लें, लेकिन फिर भी नतीजे विपरीत आते हैं। ऐसे में कई आपके आसपास होंगे मंत्रा की तरह चुगली करने वाले कि तुम्हारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, कर्म करिए अपना, जो होगा हो जाएगा। देखिए, लड़ते हुए मरना एक अलग बात हो जाती है और ना लड़ते हुए मरना अलग बात। तो लड़ते हुए मरिए ना, कम से कम लोग याद रखेंगे कि हाँ संघर्ष करता रहा, फिर भी मर गया, फिर मरा। ठीक है, उन्हीं को लोग याद रखते हैं।
जो संघर्ष करते हुए हार ना मानते हुए लड़ते हैं। ठीक है, अपना कर्म करिए, आपको संतुष्टि मिलेगी, इतना है क्लियर। अगर आप अपना जो भी कर्म है उसे पूरा कर रहे हैं तो इससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी। मानवता क्या है? अब आप देखिए, मानवता का सीधा सा मतलब यहां बताया गया है कि कितने बार भगवान राम ने रावण को समझाने के लिए भेजा, कितनी बार समझाया, इतना शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई मौका देता सुधरने का। हर जगह देखिए, एक मानव बनकर मानवता दिखाई हुई है अपनी, फिर चाहे गुरु हो, फिर चाहे माँ बाप के वहां हो, फिर चाहे एक दोस्ती का फर्ज हो, ठीक है, उसके बाद फिर चाहे लास्ट में रावण का हो, कभी अपने दुश्मन की नजर से रावण को देखा ही नहीं है, उसे लास्ट तक समझाते रहे बस, लेकिन अपना कर्म करना था वो करते रहे। तो अपने अंदर एक मानवता रखी है। मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कुछ ही दिन पहले कि अगर आप किसी को दुख देकर, यानी कि किसी की आंखों में आंसू देकर अगर चैन से सो लेते हो रात में, तो आप इंसान नहीं कहला सकते, आप एक हैवान दरिंदे हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं आप, क्योंकि मानवता तो वो होती है कि अगर हमसे किसी की गलती भी हो जाए किसी कारण, तो हम आपकी अपनी गलतियों को सुधार कर तुरंत सही कर दें। ठीक है, तो इंसानियत तो मानवता अपने अंदर आपको रखनी है। धर्म की रक्षा, या धर्म की रक्षा का मतलब आज की धर्म की रक्षा नहीं है कि तुम हिंदू होकर मुसलमानों को मार रहे हो, या मुसलमान होकर हिंदुओं को, तुम राम मुद्दे पर लड़ रहे हो, लड़ना शुरू कर देते हो। मुझे तो हंसी तब आती है सबसे ज्यादा कि हम बोलते हैं हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। यार, धर्म की तुम्हारी औकात इतनी हुई है कि तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे? और फिर क्या इतना भगवान कमजोर हो गया कि तुम्हें उसकी अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी है? पहले अपनी सुरक्षा तो कर लीजिए, उसके बाद भगवान की सुरक्षा करिए। भगवान ने तो ये कभी नहीं कहा कि तुम मार काट करो, तुम किसी असहाय को सताओ। तो इसका मतलब ये मत निकालिए, आप अपनी सुरक्षा करिए, भगवान के पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बुराइयों पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। अब लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? लास्ट में, क्योंकि आपने देखा होगा कि सब कुछ हुआ, राम और रावण के बीच युद्ध भी हुआ, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह माता पिता सीता पर रावण ने जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली, और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया, कहानी का सार यह बताता है हमें कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की हमेशा जीत होती है। टाइम लग सकता है, आज अगर आपको कोई सता रहा है तो इसका टाइम लग सकता है, लेकिन उसका उसे सजा मिलेगी और आपकी अच्छाई की जीत होगी। ठीक है, तो अच्छाई के रास्ते चुनिए और चलिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई चुन रहा है? अगर आप, अगर 100 लोगों में से आप अगर अकेले हैं तो लड़िए। मैं तो कहता हूं अगर लड़ते हुए मर भी गए तो कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, आगे है। अब कुछ रामायण के प्रमुख पात्र हैं, इनसे आपको क्या सीख मिलती है इन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, और जो हनुमान जी बचते हैं तो इनके बारे में हम लोग बिल्कुल अलग से एक क्लास में बात करेंगे। दशरथ से क्या सीख मिलती है आपको? इनसे हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपनी परिस्थिति, क्षमता और भविष्य को देखकर निर्णय लेना चाहिए। कई लोग अपने पद से इतने मोह में रहते हैं कि क्षमता ना होने पर उसे छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि बात कही जा रही तब की, जब राजा दशरथ ने अपनी दाढ़ी में सफेद एक सफेद बाल
देखकर तत्काल राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। और इस समय क्या होता है कि नेताओं को ही देख लीजिए आप, कि मौत के मुंह में जा रहे होंगे लेकिन राजनीति नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं तो कहता हूं नए लोगों को आने दीजिए ना, कुछ उदाहरण आप अभी भी दे सकते हैं। मुझे एक पता है, अपनी पूरी राजनीति में मुझे एक आदमी अच्छा लगा। कौन? रामविलास पासवान। अगर वो अपनी चिराग पासवान की बात ना मानता तो आज जो अन्य नेताओं के हाल हैं, कई जेलों में डले हुए हैं, कई पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उनका ये हाल ना होता, क्योंकि चिराग पासवान ने यहाँ समझदारी दिखाई और अपने बेटे की बात मानी। क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो पता है कई कामों में आप सबसे बेहतर है, सोचने में भी आपसे बेहतर है, ठीक है। पर आपके आगे श्री राम, श्री राम से क्या सीख मिलती है आपको? राजा बनने जा रहे हैं, श्री राम ने वनवास भी संघर्ष स्वीकारा। जो राजा बनने जा रहा हो आप ही सोचिए कि आपको पता है कि आप राजा बनने जा रहे हैं, उसी समय आपको बदल के वनवास कर दिया जाए तो आप तो आते ही पागल हो जाओगे। लेकिन उन्होंने वो भी स्वीकारा। जीवन में जो भी मिले उसे नीति का निर्णय मानकर स्वीकार कर लें। विपरीत परिस्थितियों के परे उनमें अपने विकास की संभावनाएं भी तलाशें, परिस्थितियों से घबराएं नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, आप खुश रहेंगे। अगर आपके पास 10 रुपये है तो 10 रुपये में ही अपना खर्च निकालने की, यानी कि बजट बनाने की कोशिश करिए। क्या होता है लेकिन, मैं हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज है उसे तो देखते ही नहीं, जो नहीं है उस पर हम लोग ज्यादा विचार करते हैं और दुख में जीते रहते हैं। जो है अपने पास उसके से ही संतुष्टि रखिए। सीता, सीता से क्या सीख ले सकते हैं आप लोग? सीता श्री राम के साथ वनवास रही जबकि उनका जाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं था। सीता को कैकेयी ने वनवास भेजने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था, याद रखिए, फिर भी अपना पत्नी पत्नी होने का फर्ज निभाया। तो यहाँ इनसे सीख मिलती है आपको कि हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति बदलने से हमारी उसके प्रति निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए, हमारी निष्ठा और प्रेम ही हमें ऊंचा पद दिलाते हैं। यानी कि जो भी है आपकी, जो भी रिश्ता हो उसे अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना, ठीक है। भरत, भरत से क्या सीख मिलती है? भरत ने निष्कंटक राज भी स्वीकार नहीं किया, श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर राज किया। उनका अधिकार उसी चीज पर जमाए जिस पर नैतिक रूप से आपका हक हो, आप उसके योग्य हो। भरत ने खुद को हमेशा राम के अधीन समझा, इसलिए जो राजपद श्री राम को मिलना था उसे भरत ने स्वीकार कभी भी नहीं किया, ठीक है। पर आपके लक्ष्मण, राम हमेशा भरत की प्रशंसा करते, उसे ही अपना सबसे प्रिय भाई बताते, जबकि राम के साथ सारे दुख लक्ष्मण ने झेले, इसके बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी इसका विरोध नहीं किया। तो लक्ष्मण से क्या सीख सकते हैं? आप कोई भी काम करें तो उसे आप कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की उपेक्षा ना रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। आप इस तरह से ले सकते हैं, आपका कोई रिश्ता है, ठीक है, आप पति पत्नी है, तो आपका जो पति का धर्म है उसे निभाइए ना। पत्नी से इच्छा मत रखिए कि वो अपनी पत्नी धर्म निभा रही है या नहीं। अगर आप 100% देंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी 50% वापसी मिलेगा, ठीक है। उसे भी लगेगा कि जब हम कई बार लोगों को माफ कर देते हैं, अब कई तुच्छ होते हैं, हैवान होते हैं, उनकी छोड़िए, लेकिन कई इंसान होते हैं उन्हें माफ कर देते हैं 2-4 बार, तो वो भी अपने आप सुधर जाते हैं। फिर तो कई कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, क्या कहते हैं, कितने साल क्या किया और कुत्ते की जब पूंछ निकली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो वही हाल है कुछ लोगों का, तो उन्हें अपने हाल पर छोड़िए, लेकिन उन लोगों पर जो सुधरने के लायक है उन्हें सुधारिए। तो चलिए, ये थे आपके कुछ पॉइंट रामायण से संबंधित, इनसे सीखिए और अपनी जिंदगी में फॉलो कीजिए, ठीक है। या फिर देखिए ही मत, रामायण पर बिल्कुल भी मत देखिए, अगर देखते हैं तो उसमें से कुछ सीख मिलती है उसे आप लोग फॉलो करिए जरूर।
जय श्री राम।